26 में यानी आज 0 शेड्यूल है। खगोलीय घटनाक्रम के तहत जब दिन में सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर सीधे 90 डिग्री पर आएगा तो परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी। इसके कारण दोपहर 11:50 से 12:10 के बीच यह शेडो बनेगी। इस दौरान 1 से 2 मिनट के लिए किसी भी व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी। इसे दिखाने के लिए विशेष तैयारी की गई थी। रमन साइंस सेंटर एंड प्लैनेटेरियम में आज 11:50 पर दोपहर 12:20 पर फेसबुक लाइव में जीरो शैडो दिखाया गया। साथ ही आम लोगों को बताया गया कि जीरो शैडो को देखने के लिए किन किन गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही यहां ये भी बताया गया कि ऐसे कुछ गैजेट्स हमारे घर में भी मौजूद होते हैं जिसे यूज कर हम शैडो को देख सकते हैं। जीरो शैडो डे यानी शून्य छाया दिवस की यह अद्भुत खगोलीय घटना केवल कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के भागों में ही वर्ष में 2 बार होती है। आसमान साफ होने पर ये और भी बेहतर तरीके से देख सकती है। इस खगोलीय घटनाक्रम के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है रमन साइंस के महेंद्र वाघ से। आज 26 मई यानी 0 शैडो डे है। हम रमन साइंस में उपस्थित है। आप देख पा रहे हो यहाँ मेरे सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं और यहाँ आप देख पा रहे हो कि जिससे ये शैडो जो है ये अपोजिट साइड में जो है ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो कुछ लाइंस दिखाई दे रही है ये लाइंस जो है पहले क्लियर दिख रही थी और अभी ये लाइन जो है ये क्लियर नहीं दिख रही है। यानी कि आज जो है 0 शैडो डे कहा गया है और जो 12 बजे ठीक हमारे सर पर जो है सूरज 90 डिग्री में आता है तब ये 0 शैडो होता है और वो कुछ ही मिनट के लिए होता है। क्या ये पूरी प्रक्रिया रहती है इसके लिए हम जानेंगे रमन साइंस के एक सर हमारे साथ है उनसे कि आप पूरा ये प्रक्रिया किस तरह रहती है। नमस्कार। देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर लगाती है। अब सूर्य के चक्कर लगाते हुए भी ये खुद के इर्द गिर्द भी घूमती है और जिस अक्ष के इर्द गिर्द ये घूमती है ये अक्ष एकदम सीधा नहीं है तो ये एक तरफ झुका हुआ है और ये झुकावट जो है ये लगभग 23.5 अंश के कोण से होती है और इसी झुके हुए अंश कोण के साथ ये पृथ्वी हमारे सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इससे क्या होता है? पहली बात तो यहाँ पर मतलब पृथ्वी पर हम लोग इससे मौसम देख पाते हैं। दूसरा ये होता है कि जैसे नागपुर से अगर आज आप देखेंगे तो कुछ देर पहले जो हमने अनुभूति की कि 12:10 पर सूरज हमारे सर पर आया, ऐसा कभी कभार मतलब साल में 2 ही बार होता है और ये हर शहर के लिए अलग अलग तारीख पर होगा। आप विषुव वृत्त से कितने दूरी पर रहते हैं इस पर ये तारीख डिपेंड करेगी। अगर आप साउथ में रहते हैं, कन्याकुमारी में अगर आप रहते हैं तो ये इवेंट वहाँ पर हो चुका है। नागपुर में इवेंट आज हो रहा है, भोपाल में ये होगा कुछ दिनों बाद। तो जैसे जैसे सूर्य विषुव वृत्त से कर्क वृत्त की ओर जा रहा है तो जब जिस दिन ये आपके शहर पर आएगा उस दिन आप ये इवेंट आप देख पाएंगे। जैसे कि आपने बोला है अभी कि ना जब सूरज जो है हमारे सर पर आता है वो 2 ही दिन आता है तो अब तक हमने ऐसा हम कहते हैं नॉर्मली कि सूरज हमारे सर पे आता है ऐसे 12 बजे ऐसे तो ये नहीं आता है ऐसा कह सकते हैं? देखिए रोज़मर्रा की भाषा में कहा जाए तो सूरज हमारे सर पर आता है, ऐसा हम लोग रोज़ कहते हैं कि दोपहर 12 बजे ठीक हमारे सर पर खगोलीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये ठीक उस बिंदु पर नहीं आता जिसे हम लोग ज़ेनिथ कहते हैं। ऐसा उसी दिन हो पाएगा जिस दिन सूरज का डिक्लिनेशन और उस शहर का लैटिट्यूड 1 हो जाए जो आज हमारे नागपुर शहर में ये हो रही और इसी वक्त 12:10 पर सूरज उस बिंदु पर आता है जहाँ से इसकी प्रकाश किरणें एक 90 अंश के कोण पर ही हमारे पृथ्वी तक पहुँच पाती है, हमारे नागपुर शहर पर पहुँच रही और इसका इफ़ेक्ट आपने देखा होगा जो कटआउट्स हमने यहाँ पर लगाए थे और प्रकाश की किरणें उससे पास होकर नीचे आप ठीक से उसको पढ़ पा रहे थे लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी सूरज उस बिंदु से आगे जा चुका है और उसकी प्रकाश किरणें अभी तिरछी हो चुकी है और उस वजह से ये जो लिखावट है आप पढ़ नहीं पाएंगे या फिर ये जो वस्तु है आपने यहाँ लगी है इसकी परछाई अभी आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ देर पहले आप ये नहीं देख पा रहे थे। तो इसका कारण वही है कि सूरज का डिक्लिनेशन और उस शहर का लैटिट्यूड 1 होना चाहिए। 2 बार ये घटना होती है, अगली बार ये घटना कब होगी? देखिए 2 बार होती है क्योंकि सूरज एक बार विषुव वृत्त से कर्क वृत्त की ओर जा रहा है जिसे हम लोग उत्तरायण कहते हैं, तो इस बीच में एक बार होती है 26 मई को और जब ये कर्क वृत्त से वापस आएगा जब दक्षिणायन की शुरुआत होगी तो ये वापस आते वक्त एक दिन फिर यहाँ पर आएगा और वो तारीख होगी 17 जुलाई। तो नागपुर शहर से ये इवेंट आप दो बार देख पाएंगे, 26 मई और 17 जुलाई।
तो जैसे कि आज हमने जीरो शैडो डे जो है महसूस किया, हमने देखा, और अगली बार अगर देखना हो तो 17 जुलाई को ये जीरो शैडो डे जो है वो देख सकते हैं। अभी हमने जानकारी ली कि किस तरह ये घटनाक्रम होता है, खगोलीय ये घटनाक्रम है और किस तरह होता है, ये हमने जानकारी सर से ली है। फिलहाल यही रुकते हैं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षित जाते हूँ, BCN न्यूज़ नागपुर।